एक बात बताता हूँ जो मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट में सुनी बिटवीन शांतनु एंड सूरज मुर्जे। इसमें सूरज बोल रहे थे कि इंडिया में हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आई वाज लाइक, तो सूरज ने एग्जांपल दिया कि जर्मनी में जो हाईवेज ऑटोबान्स जिनको बोलते हैं, वहां पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, लोग 160, 170, 180 चलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां लोगों को पता है कि आगे चलने वाले सारे ड्राइवर्स ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे होंगे, कोई भी रोड के बीच में कार खड़ी करके सेल्फीज नहीं ले रहा होगा। और वहीं इंडिया में उन्होंने एग्जांपल दिया बेंगलुरु मैसूर हाईवे का, जहां पर हाईवे की रेलिंग काट काट कर लोगों ने इडली के स्टॉल्स लगा दिए। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां रुक रही है, रुककर इडली खा रही है, इवन ऑपोजिट लेन में गाड़ियां रुककर लोग डिवाइडर क्रॉस कर करके इडली खाने आ रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर देने लायक है, लेकिन हम में ही ट्रैफिक सेंस नहीं है। और आप ये अपने आसपास देख लो, हम वंदे भारत में तोड़फोड़ करते हैं, मेट्रो में पान थूकते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में कचरा फेंकते हैं, और जब तक रेड लाइट पर कोई पुलिस नहीं होता रुकते नहीं है। किसी भी कंप्यूटर में कितना भी महंगा अच्छे से अच्छा हार्डवेयर डला लो, सॉफ्टवेयर के बिना वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में डिस्कस करते हैं।